नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन द्वारा लगातार शहर में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मीटिंग लेकर लगातार कमियों को उजागर कर जनहित में सभी अव्यवस्थित परिस्थितियों को ठीक करने की हिदायत भी दी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को नेहरू नगर की खस्ता हाल सड़क को देखने के बाद युवा विधायक रिकेश सेन ने नगर निगम अधिकारियों पर जमकर नाराज होते हुए और शाम तक नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक एवं मार्ग पर बने गड्ढे पाट कर डामरीकृत सड़क बनाने के निर्देश जोन निगम जोन के अधिकारियों को दिए हैं। चौक अगर नहीं बना तो जोन वन के सभी अधिकारियों का तबादला इस शहर से बाहर हो जाएगा। शाम तक ये चौक का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर जनहित के काम को ढीले करेगा तो उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दल के लोग और जो सत्ता में बैठे हुए लोग, सभी लोगों ने इस चौक को लेकर बड़ी राजनीति की। कोई थूक पॉलिश करने लगा, कोई मुहर्रम डाल दिया सिर्फ मीडिया में आने के लिए, कई लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारी स्टोरी के बाद यहाँ पे पेवर ब्लॉक भी लगा दिए गए थे यस महीने तक। यस, इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियाँ हुई है सिर्फ फोटो छपवाने के लिए और सिर्फ राजनीति करने के लिए चौक का किया गया है। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीति से जुड़े हुए लोगों को, उनको समझना चाहिए कि ये एक पवित्र गुरुद्वारा है और हमारे भिलाई वैशाली नगर विधानसभा जिले का ही नहीं बल्कि इस प्रदेश का सबसे पवित्र जगह है और ये हृदय स्थल है। यहाँ पे लोग सिर्फ इस प्रदेश के लोग ही मत्था टेकने नहीं आते हैं बल्कि पूरे देश भर से, और जो यहाँ के बच्चे बाहर बाहर चले गए हैं वो भी कभी भी आते हैं तो सबसे पहले मत्था टेकते हैं। सबकी मुराद यहाँ से पूरी होती है और ऐसा संदेश, इतने गड्ढे, 1.5 साल से किसी का ध्यान ही नहीं है। मैंने आज अचानक, मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था तो मेरी नज़र इस पर पड़ी। मैंने तत्काल अधिकारियों को फ़ोन पे कहा है कि आज शाम तक 5 बजे से पहले ये चौक का पूरा जो है डामरीकरण हो जाना चाहिए। इतना सुंदर चौक बने कि किसी को भी गड्ढे उड्ढे में तकलीफ ना हो और लोग आसानी से गुरुद्वारे जा सके, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो और लोग यहाँ पर मत्था टेक के अपनी मुरादें पूरी करें। बस आज एक छोटी सी मैंने पहल की है और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार बदल गई है, अधिकारियों का नज़रिया भी अब बदलना होगा और यहाँ का विधायक रिकेश सेन है, कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा।